सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रुपेश राय सिकंद है। रुपेश जी, बात करें इस फिल्म के बारे में, क्या नाम है और किस तरह का किरदार है आपका और इसकी पूरी डिटेल क्या है? देखिए, पहले तो मैं बताऊं, मैं इस मूवी का डायरेक्टर हूं। मैंने इस मूवी को बड़ा रिसर्च करके, बड़ा सोच समझ के, इस पूरी कम्युनिटी जो किन्नर कम्युनिटी है उसके ऊपर पूरी रिसर्च करके तब इस मूवी को फ्लोर पर लेके आया। और मैंने ना करते करते भी 178 किन्नर्स के ऑडिशन किए, उसमें से जाके ये लड़की सेलेक्ट हुई जिसका नाम बबली है, जो इसमें रियल किन्नर है वो। और उसको थोड़ा वर्कशॉप दी और उसके बाद इस मूवी को स्टार्ट किया। फिर आया पार्ट, इसकी लोकेशंस कैसी होनी चाहिए, फिर हम लोगों ने इसकी लोकेशंस भी डांस बार जैसा उसकी स्टोरी के अंदर है उसको किया। फिर नासिक में शूट किया और एज अ डायरेक्टर इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन हम लोगों ने उसको बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया। सर, इससे पहले सड़क और भूपेन हजारिका की दरमियान फिल्में रही हैं जो काफ़ी अवार्ड भी जीत चुकी हैं, और स्टोरी चांदनी बार भी आई बीच में एक नए लुक को लेकर, तो इसमें बिल्कुल ही अलग है। सर, जितनी भी आपने मूवीज़ बोली हैं उसमें चांदनी बार जो आपने लास्ट नाम बोला है, मैं मधुर जी को बड़े अच्छे से मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये किन्नर के ऊपर पहली ऐसी मूवी है जो एक मनीष से मधु बनी हुई लड़की कैसे समाज में आई और किस तरीके से उसको स्ट्रगल करना पड़ा, कैसी कैसी चीज़ें बॉलीवुड में फेस की उसने, और डांस बार से वो कैसे एक अच्छी डांसर बनी। तो ये एक लोगों के लिए इनकरेजमेंट है उस किन्नर समाज के लिए जिसके ऊपर लोग अभी तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क नहीं कर रहे। सर, अभी किन्नर को किन्नर कहें तो गलत होगा, क्योंकि किन्नर अभी प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं, किन्नर अभी बड़े बड़े इनकी जो हेड है वो पूरा विदेशों में अपने इंडिया का नाम रोशन करते हैं, जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो क्या कहना चाहिए आप? लक्ष्मी जी तो अपने आप, जब भी मैं देखता हूँ लक्ष्मी जी के इंटरव्यू, वो तो इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोड्यूसर्स हैं या कुछ भी हैं, लेकिन अभी भी आज भी उनके लिए जिस तरीके की समाज में जगह होनी चाहिए वो नहीं है। इस फिल्म को लेकर आपको कहीं कोई ना कोई परेशानी या फिर ये दिमाग में आया नहीं चले ये फिल्म में, क्योंकि लोग चाहते हैं एक बड़ा स्टार हो, बड़ा ये हो, लेकिन सब्जेक्ट को लेकर जो फिल्म है एक मैसेज देती है फिल्म? देखिए, स्टार से फिल्म नहीं बनती है सर, सब्जेक्ट से फिल्म बनती है, वो अलग बात है कि कमर्शियल एंगल से जो अगर आप बात करें, मैंने एज अ फिल्म मेकर इस मूवी को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि हाँ, अगर कोई मैं एक समाज के अंदर एक पॉइंट और ऊपर लेके आ सकता हूँ सब लोगों को, तो मैंने किन्नर समाज के ऊपर जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से मेरे ख्याल से जो मैंने ट्रेनों में सफ़र करके देखा है इनके साथ क्या होता है और कैसे इनके साथ अजीब टीजिंग होती है, कैसे इन लोगों को तंग किया जाता है, और भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको बिहाइंड द कैमरा बता सकता हूँ, तो उन चीज़ों को देख के मुझे लगा कि ये एक तो रिस्क मेरे को लेना ही चाहिए। और मैंने इसको किसी कमर्शियल एंगल से नहीं बनाया कि ये मेरे को किसी थिएटर पर रिलीज़ करनी है, ये इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगी, उसके बाद जब ये अवार्ड्स लेके आती है और आप लोगों की दुआओं से, तो फिर इसको देखेंगे किस कमर्शियल एंगल में, अमेजोन के पास जाना है हमको, नेटफ्लिक्स के पास जाना है। ड्यूरेशन क्या है फिल्म का? ये है 29 मिनट 30 सेकंड। ना तो इसको शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं ना बड़ी फिल्म कह सकते हैं, एक मैसेज देने वाली फिल्म है जी। तो इसके लिए आपने कहाँ कहाँ पे शूट किया? इसको हमने मुंबई की डांस बार में शूट किया, फिर हम लोगों ने इसको नासिक में शूट किया, तीन जगहों में अलग अलग। और नासिक में जिस समय हम शूट कर रहे थे 44 डिग्री टेम्परेचर था, मतलब वो शूट करना हमारे लिए बड़ा टफ था। और कई चीज़ें ऐसी थी इसके अंदर, मूवी के अंदर, जो आउटडोर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स करती हैं, जैसे कि हम लोगों ने जो इसमें बबली कैरेक्टर प्ले कर रही है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उसने उस चैलेंज को बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए था कि लोग कहेंगे अरे यार किन्नर को लेकर फिल्म बना रहा है, क्योंकि आजकल का दिखावा सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे आपकी फिल्म में सब्जेक्ट में जो ऑडिशन चलता है, इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आपके दिल में आया कोई बोल रहा है कुछ ऐसे चीज़? मैं आपको बड़े मन से और बड़े दिल से एक बात बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा प्राउड है कि मैंने किन्नर्स के ऊपर फिल्म बनाई है। मुझे कोई इसके अंदर कोई एक परसेंट भी ये नहीं कि अरे यार ये मैंने मूवी क्या बनाई है, और ना मैंने इसको किसी कमर्शियल एंगल से सोच के बनाया। एज अ फिल्म मेकर मुझे प्राउड है कि मैंने किन्नर समाज के ऊपर, किन्नर के ऊपर एक ऐसी मूवी बनाई जिसको दो लोग देख के इंस्पायर्ड होंगे। आज किन्नर जो है पार्लियामेंट में बैठते हैं और जगह जगह बड़ी बड़ी बिजनेसमैन हैं, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? बड़ी बड़ी फिल्में, प्रोड्यूसर भी है बॉम्बे के अंदर, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। हाँ, अभी हाल ही में एक किन्नर है जो फिल्म का प्रोड्यूसर है। करेक्ट, एकदम, वो खुद एक्ट भी कर रही है उसमें। मैं इस बात का आपको बहुत शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ कि जितने भी लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं उन्होंने ज़रूर कहीं ना कहीं स्ट्रगल ज़रूर किया। कुछ लोगों के पॉइंट्स जैसे जी जिसकी आप अभी बात बता रहे हैं, जो अभी खुद मूवी भी बना रही हैं, वो खुद वो भी बहुत से निकाल दिया गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ उनकी भी कोई स्टोरी रही है, तो ऐसे ही हमारी एक फिल्म के एक किरदार की स्टोरी है जिसको देख के एटलीस्ट सारे के सारे किन्नर लोग उस चीज़ से तो इनकरेज हों कम से कम।
हर के अंदर एक ना एक टैलेंट है, मैंने जितने भी किन्नर्स को मिला हूँ। हालांकि बबली जो है, जो उसने हमारे इसमें कैरेक्टर प्ले किया है, मधु का और मनीष दोनों कैरेक्टर, वो खुद बहुत टैलेंटेड है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बबली दास है। बबली कहाँ से है? कोलकाता से। बबली, बात करें इस फिल्म में आपका किस तरह किरदार है जो मूवी की बात करें? इसमें किन्नर की रोल है। किन्नर का रोल है, आपको कैसा लगा? मैं ऑब्वियसली किन्नर हूँ तो मुझे अच्छा ही लगेगा। किन्नर को रुपेश जी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जैसे बड़ी बड़ी हिट फिल्में रही हैं, दरमियान हो, चाहे भूपेन हजारिका की या सड़क फिल्म हो, या फिर और भी काफ़ी सारी फिल्में हैं, चांदनी वार है, तो आप कितना प्राउड लगता है आपको कि हमें भी एक दर्जा दिया गया है फिल्म में एज ए हीरोइन का? पूरी फिल्म आपके ऊपर आधारित है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एक बात ही बोलना चाहता हूँ, जिसको चांद नहीं मिलता है ना, उसको जब चांद मिल जाता है ना, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वही जगह ना जिसको एक किन्नर को एक मेन रोल मिलेगा तो बहुत ही खुशी की बात है। जब आपको कोई किन्नर बोलता है, दिल में एक गुस्सा भी आता होगा आपको कि भगवान ने मुझे? कभी नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, जो मैं हूँ वो मैं हूँ। ये आपकी एक रियल स्टोरी है, क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं आपकी आंखें नर्वस हो जाती, क्या कहना चाहिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, वही कहना चाहूँगी, जो 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 घर से ऐसे बाहर हुए हैं, वो जिसके ऊपर ही ऐसे आए हो, फैमिली को बोलूंगी या सबको बोलूंगी, मत करो ऐसे सभी। लेकिन क्या ये सच है कि परिवार वाले उसको घर से निकाल देते हैं? हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केसेज आए हैं कि जब कुछ बन जाते हैं तो परिवार वाले उनको फ़ोन करते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाया गया है। अभी हाल ही में मुंबई में भी ऐसा ही केस है, घर से निकाल दिया जाता, बाद में फिर उसको फ़ोन आता है जब कुछ बन जाता है कि चढ़ते सूरज को सलाम है। घर से निकाल नहीं देता है, मगर समाज में उनके साथ खाना बैठना सोसाइटी में, हाँ, वो डिफरेंस करते हैं, इसलिए वो अपना जगह ढूंढ लेते हैं और कुछ नहीं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? सेकंड ईयर तक पढ़ी हूँ मैं। कभी आपने सोचा कि मुंबई आना कैसे हुआ आपका? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था मुंबई आऊंगी, मगर किस्मत में लिखा हुआ है तो आ गई। आपका रियल नेम क्या है? बबलू दास। बबलू दास, तो अपने आप को लड़का या लड़की कहना पसंद करते हैं? मैं लड़की समझती हूँ खुद को। लड़की समझते हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छा भला भगवान ने लड़का लड़की बनाया है, वो अपने आप को मटक मटक के चलना और किन्नर की तरह करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि भगवान ने सब कुछ दिया है आपको, ठीक है भगवान ऊपर वाले ने बनाया ऐसे। कुछ लोग हैं अच्छे औरत या मर्द होकर भी किन्नर होने का नाटक करते हैं या वैसे मटक मटक के चलना कि इसकी वजह से हमें काम मिल जाएगा। हाँ, वही मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी ये करता है मत करो, क्योंकि उन लोगों की वजह से हम लोग बदनाम होते हैं और कुछ नहीं। फिल्म में एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतने सबके साथ काम की मैंने, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कोई प्रोजेक्ट है आपके? इससे पहले मैं सीरियल करती थी, वो डॉक्यूमेंट्री की थी, मेन लीड रोल नहीं की थी। कब से मुंबई में? 2 ईयर्स हो गए। 2 ईयर्स हो गए। इस फिल्म के बाद आपको कुछ अलग से कुछ मिला कि हम आगे बढ़कर और भी कुछ कर सकते हैं? अभी तो स्टार्ट हुआ ना, मिलेगा जरूर। कैमरा फेस किया आपने? हाँ। और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के माध्यम से, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, वही मैसेज देना चाहूँगी कि किन्नर को इतना छोटा भी मत सोचो और कुछ भी गलत मत सोचो, हम भी आप लोगों के से इंसान ही हैं। रुपेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने हाथ पकड़ के सब कुछ आपको ये चीजें कराई, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए भगवान है। इसका एक शो अगर किन्नर के लिए आप रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो आपके किन्नर हैं, जो उनको क्या दिखाना चाहेंगे मूवी एक दिन? जरूर, क्यों नहीं, सबको दिखाना चाहूंगी मैं। आपके पेरेंट्स से? हाँ। आपने बताया कि मैं फिल्म में काम कर रही हूं? नहीं, अभी तक नहीं बताया, क्योंकि मेरी मम्मी डैडी से बात नहीं होती मेरी, तो मैं बताऊंगी। कैसा लगेगा उनको, क्या लगता है आपको, कैसे बताना चाहिए? मुझे तो लगता है मैं दिखा के बताऊं, फिर भी पॉसिबल नहीं है, मैं फोन करके बताऊंगी। विजुअल ले लो। मैं लक्ष्मी का इंटरव्यू किया काफी बार। लक्ष्मी आई थी ना? प्रीमियर को आने वाली है। लक्ष्मी भी आने वाली है और मधु। एक शो रखो ना उनके लिए स्पेशल। आने वाले मधु अम्मा भी आने वाली है। फेस पे जा। थैंक यू मैम। प्रणाम। जी, मेरा नाम अजय निकते है। अजय, बात करें इस फिल्म में आपका किस तरह किरदार है? मैं इस फिल्म में डांस बार ओनर शेट्टी अन्ना का किरदार निभा रहा हूँ। पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं बबली और आपके ऊपर घूमती है, क्योंकि एक बार गर्ल और अन्ना मुंबई में एक ऐसी चीजें हैं जो अगर डांस बार की स्टोरी हो
और अन्ना और ना दिखे तो क्या करना, कितनी तैयारी की थी आपने इसके लिए? जैसे अभी बबली जी ने भी कहा ना, वैसे ही है वो। रुपेश जी ने मुझे बुलाया था ऑडिशन के लिए और एक दो डायलॉग्स बोलने के लिए थे और इमीडिएट वो मेरा फाइनल हो गया। फिर डांस बार का ओनर और एक शेट्टी, दोनों अलग चीज़ें हैं, क्योंकि शेट्टी अगर आप फूड सर्विस बोले या हॉस्पिटलिटी सर्विस बोले तो अपने दिमाग में पहले शेट्टी ही आता है। जो शेट्टी आपको खाना भी खिलाते ना, वही शेट्टी एक डांस बार भी चला रहा है। तो जैसे अपने पिछले जो गृह मंत्री थे आरा राबा पाटिल साहब ने डांस बार बंद कर दिए और फिर जो कुछ हिस्ट्री बनी महाराष्ट्र में और फिर बाद में पूरे देश में, तो एक डांस बार ओनर, एक डांस बार का ओनर अन्ना शेट्टी एक अच्छा किरदार भी हो सकता है और है ऐसे। तो वो शायद रुपेश जी ने ये बताने की कोशिश की है इसमें कि सिर्फ डांस बार जो करती है, जो डांस कर रही है उनके लिए नहीं, एक किन्नर को भी उसके मन में एक सहानुभूति थी और जो इस फिल्म में दिखाई गई है। मुंबई में आपने ये चीज़ें आंखों से देखा है, हर चीज़ जो है आपको शायद सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा हुआ इसको जी। अन्ना का स्टाइल, चैन पहनने का स्टाइल, ये सब बात करने का स्टाइल, तो कितना कंफर्टेबल था आपके लिए सब चीज़ें? नहीं मतलब मैं बोलता हूँ बाय गॉड्स ग्रेस मेरे बहुत सारे दोस्त शेट्टी अन्ना है, जहाँ पर मैं रहता हूँ थाना में और डोमिली में। मेरे होटल ओनर्स के जो प्रेसिडेंट्स भी है वो भी मेरे बहुत करीबी दोस्त है। तो ये कैरेक्टर निभाने में मुझे मतलब जो बोलते हैं ना कि होमवर्क करना पड़ा, मगर वो होमवर्क ऐसा था कि जो मेरे होम में ही हो गया, क्योंकि दोस्त ही सब शेट्टी अन्ना थे तो उनका कैरेक्टर पहले से था साथ में। और मैं लास्ट 27 साल से जर्नलिज्म में हूँ, तो ये सब चीज़ें मैंने मेरे नज़दीक से देखी हुई है। और आप जैसे सब शुभचिंतकों के वजह से बहुत बड़े बड़े पेपर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने मेरी सामना में शुरुआत की थी, फिर लोकमत, पुढ़ारी, लोकसत्ता, ये सब जगह पे मैं काम कर चुका हूँ। कितना प्राउड फील कर रहे हैं ऐसी स्टोरी को लेकर आपने काम? मैं बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहा हूँ। मैं लास्ट 6 साल से ये इंडस्ट्री में भी हूँ, मैंने हिंदी सीरियल उतरण भी किए, बहुत सारी टीवी कमर्शियल्स किए, मराठी फिल्में किए, मगर ये फिल्म मैंने मतलब 2.5 और 3 घंटे की फिल्में की, मगर ये फिल्म सिर्फ 1/2 घंटे की है, मगर ये फिल्म में जो मेरे को दिया है ना वो मेरे को 6 साल में नहीं मिला है। अब बबली आपसे जानना चाहेंगे, आपने कभी बाहर में जाके देखा है? नहीं, कभी वो मौका नहीं मिला। उस दिन जब मैं कर रही थी शूटिंग तभी मुझे मालूम हुआ कि ऐसे होते हैं। आपकी नज़रों में बाहर क्या है, मतलब बबली की नज़रों में क्या है कि बाहर एक अच्छी जगह है या फिर एक मतलब जिसको कहा जाता है कि सहारा मिले, एक शोषण नहीं किया जाता वहाँ पर, एक काम दिया जाता है, एक समाज से जो निष्कासित कर दिए जाते हैं उन लोगों को एक जगह दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? जगह बदनाम नहीं है? नहीं, बदनाम तो कोई जगह नहीं है, कमाने की जगह कभी बदनाम नहीं होते। कि रोड पे खड़े होने से अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग हैं किन्नर के नाम पे रोड पे खड़े होते हैं, पैसे मांगते हैं, एक नाच के पैसे कमाना गलत नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत कोई भी चीज़ नहीं है, जो भी पैसे कमाने के जरिए हैं वो गलत कभी नहीं होते, क्योंकि उससे उसका पेट चलता है, मैं किसी को गलत नहीं बोल सकती। सर, सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम अश्विन कौशल है, लेकिन मैं अपने फादर का नाम यूज़ करता हूँ एज अश्विन कौशल भारती। व्हेन आई एम अ राइटर, मैं एक्टर राइटर हूँ, 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म फ्रेटर्निटी मेरी पहचान है, और मैं प्राउडली एसोसिएटली कह सकता हूँ कि मैंने प्राउडली ऐसी फिल्म फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट की है जो रियलिस्टिक है, इंट्रीगिंग है और एक मैसेज बेस्ड है। कास्टिंग कोच का आपने बहुत अच्छे से किरदार निभाया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कास्टिंग काउच के बारे में? कास्टिंग काउच बड़ी कमाल की चीज़ होती है सर, हम चाहे कितना भी पर्दा डालें असलियत तो वो है 50-50। ये बात कहीं ना कहीं सच है जो आपने दिखाया है, चाहे राज कपूर की फिल्में हो, कोई फिल्म हो, ये चीज़ें चलती हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? इंडस्ट्री में होता है, पर्दे के पीछे होता है सब चीज़? पर्दे के पीछे तो सब कुछ होता है, सामने भी होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता ना। कैसी केमिस्ट्री रही सबके साथ काम करके, रुपेश जी के साथ, बबली के साथ? हाँ, रुपेश जी के साथ तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरे भाई हैं वो, उनके साथ तो मैं 4 साल से अटेम्प्ट कर रहा था काम करने के लिए, लेकिन योग जब होता है तब योग हुआ। और बाकी जो हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस था मेन मनीष और मधु का रोल सेलेक्ट करना, क्योंकि बहुत सारे इन बच्चों ने ऑडिशंस किए, डायरेक्शन डिपार्टमेंट को काफ़ी बहुत प्रॉब्लम हुई,
बट वी आर लकी टू गेट द राइट चॉइस, शी इज डन अ गुड जॉब.